हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड क्या होता है, कैसे ये होता है, हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो जैसे कि ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है और नेचुरल डिज़ास्टर जो रहते हैं उनसे हमें बिग हार्म होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई नुकसान ना हो, पर कभी कभी हमें बहुत इफ़ेक्ट देता है, बहुत डैमेज देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है कि अब ये प्रॉब्लम होने वाली है तो हम कैसे खुद को बचाएं। एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही लैंडस्लाइड जब होता है तो हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हम बच सकें ऐसे डिज़ास्टर से। ठीक है, तो देखिए लैंडस्लाइड जो है वो एक नेचुरल डिज़ास्टर है। जैसे कि तो एक समय होगा, ज़्यादातर लैंडस्लाइड तभी होते हैं जब हैवी रेनफॉल हो रही हो। तो हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो कर सकते हैं जिससे हम बच सकें। ठीक है, तो इस तरीके के जो नेचुरल डिज़ास्टर रहते हैं, सभी डिज़ास्टर्स, उनमें अगर हम कुछ चीज़ें फॉलो करें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम बच सकते हैं ऐसी चीज़ों से और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बचा सकते हैं। अब इसके लिए कुछ जानकारी ज़रूरी है, मतलब अवेयरनेस ज़रूरी है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली कि इस समय पर, है ना। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। हम टीवी नहीं देख सकते हैं, हमको वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड जो है वो एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे लैंडस्लिप भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, एक तो लैंडस्लाइड होता है जिसमें क्या होता है, ज़मीन जो है वो पानी में ज़्यादा बारिश की वजह से ज़मीन में जो है लैंड पानी की वजह से ढहने लगता है, मतलब नीचे की तरफ धंसने लगता है। ठीक है, और एक होता है लैंडस्लिप, मतलब जो पहाड़ी इलाके रहते हैं वहाँ से क्या होता है, पत्थर जैसा ये वहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम खुद को कैसे बचाएं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो लैंडस्लाइड जो है वो इस तरीके के रहते हैं, दो तरीके के होते हैं, या तो ज़मीन धंसने लगती है नीचे को या फिर पहाड़ों से स्लिप होने लगता है वो लैंड। ठीक है, अब इसका कॉज क्या है, क्यों होता है ये, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है वो जो अर्थ है उसकी स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है, इस वजह से ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, और या फिर ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल हाई हो रहा हो, पोर हो रहा हो पूरा, मतलब पानी से भर रहा हो इलाका, और उसकी वजह से जो है ज़मीन ढहना शुरू हो रही है, तो वो भी एक तरीके का लैंडस्लाइड हो सकता है उस समय पर भी। ठीक है, तो इस तरीके के लैंडस्लाइड होते हैं। देखिए मैं दो बता रही थी आपको, दो तरीके के होते हैं, एक तो ज़मीन जो है वो धंसना शुरू हो जाती है और दूसरा जो माउंटेन से स्लिप होता है लैंड, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये उसकी एक इमेज है। अब हम ऐसा क्या करें कि खुद को बचा सकें, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, वो हम करेंगे। पर इससे क्या क्या डैमेज हमें फेस करने मिल सकते हैं, किस तरीके के इफ़ेक्ट हम फेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमें प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, हमारी बिल्डिंग्स, घर, उनको नुकसान हो सकता है, ह्यूमन इंजरी हो सकती हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करने को मिल सकती हैं ऐसे समय पे। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हमें पहले अलर्ट रहना है इन सब चीज़ों के लिए। अब अवेयरनेस रखना ज़रूरी है। अब हम अवेयर कैसे रहें, अब मान लीजिए लैंडस्लाइड शुरू हो रहा है, अब आप कैसे पता लगाएं कि इस जगह पे होगा, इस जगह पे नहीं होगा, है ना। तो जो नेचुरल डिज़ास्टर है ये, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, जो हमारा मौसम विभाग जिससे बोलते हैं, उनके थ्रू बताया जाएगा इस इलाके में ज़्यादा बारिश हो रही है, इस इलाके में कम, इस तरीके की चीज़ों से आपको अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है, जो भी सिचुएशन जैसी भी बन रही है आपको अवेयर कर दिया जाएगा। अब बात करें डायरेक्ट इफ़ेक्ट की, तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं, फिज़िकल डैमेज में आता है, डेबरीज यानी कि जो पत्थर गिर रहे हैं उनकी वजह से हाईवेज, रोड्स ब्लॉक हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाना, इस तरीके की प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। और साथ ही जब ये चीज़ें हो रही हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको किसी से कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क्स अवेलेबल हों। ठीक है,
वाटर सप्लाई हो या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं। तो अब आप अवेयर कैसे रहे? तो कोशिश करें ऐसा कोई रेडियो हो जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता हो, और वहाँ पे आप न्यूज़ से अपडेट रहें कि इस एरिया पे ये प्रॉब्लम हुई है, आप वहाँ ना जाएं, और वहाँ जाने के लिए अवॉइड करें ऐसी जगह जाने से, ठीक है। साथ ही अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं लगा मिलता है, इस तरीके का नोटिफिकेशन, तो प्लीज़ उस एरिया में आप ना जाएं, क्योंकि वो स्लाइड एरिया है, ठीक है। यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, इस वजह से ये नोटिफिकेशन लगा दिया जाता है, क्वेश्चन लगा दिया जाता है, ताकि आप उस जगह पे एंटर ना करें, ठीक है। तो इस ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करें। साथ ही एक इस तरीके का लैंडस्लाइड हो रहा है जिससे ज़मीन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, ये रोड जो है, तो ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करें। हो सकता है कि इस तरीके से लैंड जो है वो डिवाइड हो, आप हो ऐसी जगह पर हो तो आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। साथ ही जब इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इस तरीके से पानी भरा हो, तो आप ड्राइव करना अवॉइड करें। कोशिश यही करें कि अपने घरों में ही रहें या आसपास बाहर ना जाएं। बाहर जाने से आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने घरों में ही रहें, सेफ रहें। इस तरीके से आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए ऐसे समय पर, और साथ ही ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए कि किसी रिवर के किनारे आप खड़े हो गए ताकि मतलब अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो आप ऐसे ही बाहर घूमने निकल गए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से नहीं खड़े होना चाहिए। पता नहीं है कब रिवर जो है, जो भी लेक है, वो ओवरफ्लो हो जाए और आपको इसके वजह से नुकसान हो, ठीक है। क्योंकि इस समय पर जो इंजरीज रहती हैं, कैजुअलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, हो सकता है डेथ्स भी हो जाती हैं, इंजरीज़ भी हो जाती है, तो इस समय पे हमें खास अपना ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह जाने से हमें खुद को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं जिनको आप अगर करें तो आप अलर्ट रह सकें, जैसे कि रेडियो मैंने बताया, आप उस पर न्यूज़ से अपडेट रहें, खुद को प्रोटेक्ट करें, घरों में ही रहें, ठीक है। और बाकी अगर आपका घर जो है वो आसपास रिवर के है, तो आप कोशिश करें उस जगह को ही अवॉइड कर दें, वहाँ से हट जाएं, ठीक है। क्योंकि लैंडस्लाइड है वो कभी भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, अब मान लीजिए माउंटेन से पत्थर जो है वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, वो गिर रहे हैं, लैंड स्लिप हो रहा है वहाँ से, तो आपको भी तो चोट लग सकती है ना, तो कोशिश करें बाहर ना जाएं। अगर पानी ज़्यादा भरा है तो आप वहाँ ड्राइव ना करें। ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको लैंडस्लाइड के बारे में बताया कि आप किस तरीके से छोटे प्रिकॉशन ले सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये लैंडस्लाइड होता क्यों है, किस तरीके से होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। सो थैंक यू।